नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा सिंह बसेड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले वीडियो बनाई थी एसएससी जीडी 2012 पर, तो बहुत सारे दोस्तों ने उसमें क्वेश्चन पूछे थे कुछ, तो मैं उनके जवाब इस प्रकार से देता हूं। तो दोस्तों, कुछ लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था कि हमारा कॉल लेटर कब तक आएगा, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारा कॉल लेटर नहीं आएगा। क्यों? अभी कोर्ट में, इलाहाबाद कोर्ट में केस चल रहा है। यूपी और बिहार के कुछ लड़के इलाहाबाद कोर्ट गए हैं और उनके द्वारा वकील से बात हुई, तो जब कोर्ट केस होगा उसके पश्चात ही जो हमें कोर्ट आदेश देगा उसका अनुपालन एसएससी को करना होगा। जैसे कि आप देख चुके होंगे 2011 के जो लड़के थे उनको कोर्ट ने ज्वाइनिंग लेटर प्रदान करने को कहा है और उनको ये बोला गया है कि उनका मेडिकल दोबारा होगा। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में कुछ वैकेंसी बचे हैं। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट मीन्स जो जिनके बॉर्डर किसी देश के बॉर्डर से लगते हैं, तो आपको पता ही है कि उत्तराखंड में कौन कौन से बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं, तो उनकी कुछ वैकेंसियां बची हैं। अगर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के लड़के मुझे सुन रहे हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के जो एसएससी 2012-13 या 15 वाले जो कैंडिडेट हैं, वो अगर मुझे सुन रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो वो जरूर कोर्ट में जाएं, उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल में जरूर जाएं और इसके खिलाफ अपील करें, सारे सबूत इकट्ठा करें, ताकि जो उनकी वैकेंसी खाली है 2012-13 की, वो उसको भरी जा सके। जैसे अगर किसी को वैकेंसी देखनी नहीं आ रही, तो सबका दिया हुआ है कि कितने स्टेट कोड दिया हुआ है, स्टेट कोड के अकॉर्डिंग कहाँ पे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट वाला है, कहाँ पे जनरल वाला है, कहाँ पे जो है नक्सल प्रभावित है, तो ये सब कुछ दिया हुआ है। उसके आगे लिखा हुआ है कि कितना, 15 वैकेंसी थी, 15 भर चुकी है, या 13 वैकेंसी थी, 12 भरी हुई है, तो मतलब एक खाली, को इस प्रकार से है। तो उत्तराखंड में जो जनरल की है वो भर चुकी है, यानी कि 2012 की 13 की 12-13 की जो वैकेंसी है उत्तराखंड में भर चुकी है, और उत्तराखंड में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में कुछ वैकेंसी बचे हैं, पर यूपी बिहार राजस्थान और असम अन्य जो स्टेट में है उसमें बची हुई वैकेंसी, क्योंकि टोटल वैकेंसी हमारे टाइम पे 49,000 थी, यानी कि मैं भी खुद 2012 का कैंडिडेट हूँ, तो 49,000 वैकेंसी थी और उसमें से सिर्फ 39,000 वैकेंसी जो थे उनके द्वारा भरा गया था। और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे थे 72,000 वैकेंसी हो चुकी है, लेकिन ये सिर्फ अफवाह थी, ये 72,000 तो हुए नहीं थे। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने जो यूपी बिहार और अन्य स्टेट के लड़के हैं, अपने अपने जो राज्य का हाई कोर्ट है उसमें अपील करें, उसमें रिट दायर करें, उसके खिलाफ केस करें एसएससी के खिलाफ, जब तक पूरा देश एकजुट होकर, पूरे देश के एक युवा एकजुट होकर इस कार्य को नहीं करेंगे, तब तक ये हमारे लिए कॉल लेटर का आना असंभव है। तो इसलिए मित्रों, मैं आप सभी से इसके लिए सहयोग चाहता हूँ। आप क्या करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा उस वीडियो के, अगर उसके जो व्हाट्सएप लिंक होगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वो, उसके माध्यम से आप मेरे से जुड़ें और उसके बाद मैं आपको जो जो 2012 की वैकेंसी है, कौन मेडिकल में फिट है, कौन अनफिट है, किसके कितने नंबर थे, इसकी पूरी डिटेल में उस